है गाइस। तो कल रात को नहीं, हाँ रात को ही 2-3 बजे हम घर आए थे। अभी घर से निकलेंगे, अभी घर पे ही है, घर पे है अभी। और तिरपल में पानी जम गया था इसलिए ऊपर चढ़े हैं। निकल जाएंगे अभी, यहाँ से निकल जाएंगे थोड़ी देर बाद ही। हेलो गाइस, तो अभी जस्ट एक कांजीपानी घाटी पार करके रुके हैं। अभी थोड़ा टायर वायर चेक कर रहे हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। कांजीपानी घाटी पार करके आने के बाद जो टोल गेट है, यही वो टोल गेट है। और हम लोगों का माल है, रायपुर का माल है, रायपुर भनीपुर का माल है। और मेरा हेल्पर वो टायर देख रहा है, चेक कर रहा है टायर। बारिश भी हो रहा है, बारिश का तो कुछ पता नहीं है कब क्या हो रहा है। कभी बारिश आ रहा है तो कभी बंद हो रहा है, मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो निकलेंगे अभी, निकल जाएंगे यहाँ से। टायर चेक करना हो गया है तो अभी निकल जाएंगे यहाँ से। तो अभी हम रायपुर घुसने से पहले यहाँ पे रुके हैं, यहाँ से थोड़ा लोकेशन देख लिए हैं और यहाँ पूछ भी लिए हैं, यहाँ दुकान पे जाके थोड़ा पूछ लिए हैं कि कहाँ से घुसना होगा। क्योंकि इस रास्ते पे कहाँ पे नो एंट्री रहता है, कहाँ पे क्या रहता है, हम लोगों को तो मालूम नहीं है, इसलिए हम थोड़ा पूछ लिए हैं। तो अभी गाड़ी छोड़ेंगे फिर यहाँ से। रायपुर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और फैक्ट्री भी ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो चलिए अभी चलते हैं। तो फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं फैक्ट्री के पास। बहुत घूम के आए इधर उधर, लोकेशन पे एक दूसरी जगह पे दिखा रहा है और यहाँ एक दूसरी जगह, मतलब बहुत परेशान नहीं हुआ यहाँ ढूँढने में। लोगों से पूछे पूछे फिर आना पड़ा। मेरा हेल्पर वो अंदर जा रहा है सिक्योरिटी से बात करने के लिए कि कौन सा गेट पे घुसेगा गाड़ी, क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। हेलो गाइस, तो गाड़ी हम लोगों का खाली हो चुका है यहाँ रायपुर ट्रांसपोर्ट नगर के आसपास। यहाँ जगह का नाम है भनीपुरी, जगह का नाम है। तो खाली कर दिए हैं हम, और यहाँ पे खाली करते वक्त कुछ शूट नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ बारिश आ रहा था, बारिश का मौसम है। तो थोड़ा लेबर लोग आया था, वो चिल्लर लेने आया था। तो अभी हमको यहाँ से ट्रांसपोर्ट नगर वहाँ पे जाना है, वहीं से ट्रांसपोर्ट है। तो वहीं से देखते हैं नासिक साइड, उस साइड का नासिक साइड या गुजरात साइड, कहीं भी जहाँ का भी माल होगा वहीं का माल हम लोड कर लेंगे। ये रहा कंपनी, कोलंबिया पेट्रोकेमिकल्स भनपुरी। तो यहाँ पे आने में थोड़ा दिक्कत हुआ था क्योंकि यहाँ का जो कंपनी का जो नाम है, इसका लोकेशन में जब हमने डाला तो इसका दूसरे जगह पे दिखा रहा है, सेम जगह, मतलब सेम लोकेशन, लेकिन वो जगह अलग है, नाम पूरा एकदम सेम ही था। फिर पाड़ी वाला को पूछ के हम आए। पाड़ी वाला पहले भी एक लोकेशन भेजा था, वो भी वो दूसरी जगह का ही दिखा रहा है। तो चलिए खाली हो गया ये जो रास्ता, ये रास्ता जाके मेन रोड पे जाके चढ़ा है। तो वहीं से मेन रोड से हम दाएं घूम जाएंगे ट्रांसपोर्ट नगर के लिए, और बाएं तरफ अगर जाएंगे तो बाएं तरफ रायपुर सिटी है, वहाँ से बाईपास होके वो रास्ता नागपुर की तरफ चला गया है। तो मेरा हेल्पर हो गया है रिसीविंग लाने के लिए, रिसीविंग लेके आएगा तो फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से। और पीछे हम लोगों का कंपनी का गोडाउन पीछे था, वहाँ पीछे हम खाली गए थे। तो खाली के टाइम पे थोड़ा बिजी थे हम लोग, तो तिरपल खोलना बोलना, थोड़ा बहुत बारिश भी आ रहा था थोड़ा बहुत, और खाना भी बनाना पड़ा हम लोगों को, गाड़ी में पानी का भी दिक्कत हुआ, इधर उधर जाना पड़ा, इसलिए तब कुछ शूट नहीं कर पाए।
तो चलिए चालान लेके आएगा फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से। हेलो गाइस, तो कल को ही गाड़ी तो हम लोगों का खाली हो चुका है और अभी हम रायपुर यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में है, ट्रांसपोर्ट नगर 6 नंबर पार्किंग में यहाँ पे है। कल रात को यहाँ आ गए थे तो ट्रांसपोर्ट से बात किए हैं और नासिक साइड या सिलवासा साइड उस साइड माल लोड करना है। तो कल एक प्रोग्राम था यहाँ रायपुर औरंग, मतलब फिर से वहाँ घूम के औरंग जाना होगा, औरंग पार करके नदी मोड़ से एक माल था, पत्थर था, तो यहाँ से थोड़ा घूमना होगा, इसलिए इस प्रोग्राम को मालिक ने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ यहीं से आसपास से देखेंगे, कुछ माल अगर हो जाता है तो ठीक है। तो अभी तो फिलहाल ब्रश कर रहे हैं हम, ब्रश करके अभी तो नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर नाश्ता वास्ता करके खाना वाना भी बैठाएंगे, खाना भी बनाना है। तो चलिए अभी थोड़ा बाजार की तरफ भी जाना होगा। ये रहा आपका पूरा ट्रांसफर नगर का व्यू, हाईवे उस तरफ है और यहाँ पे बहुत सारा पार्किंग भी है और यहाँ गाड़ी भी देख सकते हैं, बहुत गाड़ी भी बहुत है। तो हम लोगों का गाड़ी फिलहाल यहाँ पे लगे हैं रास्ते के बाजू में ही, तो देखते हैं कब तक प्रोग्राम बनता है। एक प्रोग्राम था बोल रहा था महाराष्ट्र डिल्डोरी का प्रोग्राम था, तारबंडल अगले चक्कर में जो तारबंडल ले गया था ऐसा ही माल, देखते हैं क्या होता है।